नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद में करेंगे एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 198.84 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिले के 7 विधानसभा के 112 विकास कार्य शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा, जिले के 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे स्वागत। यूपी के अमेठी को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, रेफरल हॉस्पिटल का भी किया उद्घाटन। राहुल गांधी पर सीएम योगी का निशाना, कहा राहुल गांधी केरल में अमेठी की बुराई करते हैं, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। अमेठी दौरे पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस ने हिंदुत्व का अपमान किया, कांग्रेस ने राम मंदिर पर उठाए सवाल। अमेठी में स्मृति ईरानी का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस ने गरीबों के साथ छल किया, एसपी सरकार में गुंडे घूमते हैं। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में की बैठक, सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आज मिर्जापुर और वाराणसी दौरा, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। यूपी के देवरिया में बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने की शिरकत, इस मौके पर विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। यूपी के बलिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, कहा अखिलेश यादव को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए। परशुराम की पूजा करने पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज, कहा जो राम का नहीं हुआ वो परशुराम का क्या होगा। जिन्ना को राष्ट्र पुरुष बताने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का तंज, कहा अखिलेश यादव ने कूट कूट कर भरा है बचपन। अखिलेश यादव ने कहा पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा, जेपी नड्डा का यूपी की जनता से सवाल, क्या आपको आतंकियों को बचाने वाली सरकार चाहिए। यूपी के मेरठ में परसपा की रैली में मची भगदड़, कंबल लूटने के बाद भीड़ हुई बेकाबू, कई महिलाओं को आई चोट। परसपा के कार्यक्रम के दौरान करीब 1 घंटे तक कंबल पाने के लिए अफरा तफरी मची रही, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को काबू किया। यूपी के रण में बाहरी पर सियासी संग्राम, सीएम योगी पर समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हमला, एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने योगी को चूट कर बताया बाहर। एआईएम का योगी सरकार पर विवादित बयान, कहा पंडितों और मुसलमानों का हो रहा उत्पीड़न, माफिया कर रहे हैं मौज। यूपी के मुरादाबाद में एआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली आज, चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पीडब्ल्यूडी के कार्यों का करेंगे लोकार्पण, राजकीय ब्रिज कॉरपोरेशन के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। लखीमपुर हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट पर राहुल गांधी का ट्वीट, 5,000 पेज वाली चार्जशीट का सच पूरा देश ने देखा है, मोदी सरकार आरोपियों को बचाने में लगे। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर बीजेपी पर अखिलेश का हमला, कहा डबल इंजन की विफलता का सबूत है चार्जशीट। कोरोना के बढ़ते प्रभाव और ओमिक्रोन को लेकर बेतिया में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का बयान, ओमिक्रोन से घबराए नहीं, वरदान साबित होगा ओमिक्रोन। चुनाव आयोग का निर्देश, कोरोना टीकाकरण के पहले डोज का प्रतिशत अधिक हो, साथ ही दूसरे डोज का प्रतिशत भी बढ़े। राजधानी पटना में जीनोम सिक्वेंसिंग आईजीआईएमएस में लैब की हुई शुरुआत, 1 सप्ताह में आ जाएगी रिपोर्ट। पहले लॉट में 20 सैंपल जांच के लिए लगाए गए, जिनकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के बाद आएगी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि अब पता चल पाएगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट। एनएमसीएच में कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि डॉक्टरों का कोरोना पॉजिटिव होना चिंता का विषय है। कोरोना की चपेट में आए जीतन राम मांझी, पत्नी बेटी और बहू भी संक्रमित, होम आइसोलेशन में है सब। पटना के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना विस्फोट, एनएमसीएच में मिले 184 डॉक्टर संक्रमित। गोपालगंज के बैंकटपुर में कोरोना गाइडलाइन जुड़ी धज्जिया, नए साल पर रेस्टोरेंट में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, बार वालाओं ने लगाए झुमके। मुंगेर में मिले 10 नए संक्रमित मरीज, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 63, मरीजों में एक 15 साल का किशोर भी मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया।
समाज सुधार अभियान यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का होता है पालन, आज औरंगाबाद में होना है समाज सुधार अभियान कार्यक्रम। 355वें प्रकाश पर्व पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना साहिब भवन का किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन का किया मुआयना, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर पदाधिकारियों से की बातचीत। 3 करोड़ की लागत से 7 सड़कों का मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नए साल के मौके पर किया शिलान्यास। पछुआ हवा के तेज हवा से मौसम का मिजाज हुआ सर्द, ठंड से लोग बेहाल, जिला प्रशासन निर्देश के बाद भी जिला से लेकर प्रखंड तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सर्दी के सितम से रहे बचकर, लगातार बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप, हाइपरथर्मिया, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से जुड़ी परेशानी इस मौसम में बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण का स्तर खराब, दिल्ली में EQI लेवल 392 के पार। मुजफ्फरपुर पुलिस के अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार और लूट की गाड़ी के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में बदमाशों ने चाकू से युवक पर किया हमला, युवक की हत्या से मची सनसनी। राजस्थान के धौलपुर में जमीन विवाद में जमकर बवाल, दो पक्षों में पथराव और फायरिंग। अरवल पुलिस ने 11 लीटर चलाई शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। जम्मू में आर्थिक तंगी से परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी, गंभीर हालत में इलाज जारी। सिवान में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न, जिला परिषद अध्यक्ष पद पर संगीता देवी और उपाध्यक्ष पद पर चांद तारा ने जीत हासिल की। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को किया जब्त। सिवान में 3 युवकों की हत्या मामले में हुआ खुलासा, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार कर भेजा जेल। एमपी के गरियाबंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख रुपए के हीरो के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सारण में पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूट के सोने चांदी के गहने और पिस्टल की बरामद। पंजाब के होशियारपुर के गुरुद्वारा साहिब में सामने आई चोरी की घटना, 15,000 लेकर फरार हुआ चोर, घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने किया लूट गिरोह का खुलासा, लूट और चोरी के मामले में शातिर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों से 5 पिस्टल और कारतूस बरामद। सारण पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूटे हुए सोने चांदी के गहने और 65,000 नकद बरामद, साथ ही पिस्टल, गोलियां और मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल टीवी जब्त। जिला संग्रहालय सभागार में आयोजित नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह, सुरक्षा के मामले में पुलिस ने पार्षद को किया गिरफ्तार। भारत गैस एजेंसी का पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर एक घर में जा फंसा, गनीमत यह रही कि इस घटना में बाल बाल बचे। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चाय पी रहे 6 लोगों को कुचला। दानापुर में ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे आग ताप रहे 2 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचला, घटनास्थल पर हुई दोनों की मौत। सासाराम में गुड़लड्डी फैक्ट्री में लगी आग, ट्रक चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान, टायर फटने से ट्रक के चक्के में लगी थी आग। गया के परिया थाना में स्कूल बस की चपेट में आई मासूम बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में लगाई आग, कार्रवाई में पुलिस। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर में सीमा पर बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ बीएसएफ ने बरामद की हीरोइन। हरियाणा के फतेहाबाद में हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, स्कूटी के ट्रैक्टर से टकराई हेलमेट के कारण, सिर में नहीं आई गंभीर चोट। मुंबई के घाटक खोपड़ इलाके में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौजूद। यूपी के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में कार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत, ड्राइवर बुरी तरह घायल, हाईवे पर लगा जाम। राजस्थान के दौसा में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, बड़ी मुश्किल से ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला गया। राजस्थान के नागौर में 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के आगरा में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, स्कूल बस और ऑटो में हुई भिड़ंत। उत्तरा के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट, पुजारियों में दक्षिणा को लेकर हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुजरात के सूरत में बाइक पर स्टंट करते हुए लड़कों का वीडियो वायरल, हाथ में बंदूक लेकर चला रहे थे बाइक, गुजरात पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच भी हाथापाई, कार्यकर्ताओं ने फेंकी अपनी पार्टी की टोपी। यूपी के गाजियाबाद में 2 ऑटो ड्राइवरों में जमकर भी मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 पक्षों में हुई मारपीट, हमले में 7 लोग घायल। बिहार के हजारीबाग में आपस में भिड़े 2 समूह, मुश्किल से मामला शांत कराया गया।
अरवल में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, पेट और पीठ पर शराब की बोतल और पाउच चिपकाकर करते हैं तस्कर। सासाराम के घोटांड ओपी थाना क्षेत्र के यादव मोड़ पर बाइक सवार दो शराबी सड़क दुर्घटना में घायल, दोनों ने अस्पताल में किया बरामद। लखीसराय के जहां समनाले परिसर में से दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। सुपौल में शराब की बड़ी खेप के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, 3524 लीटर विदेशी शराब और गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी। पटना में सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेटली संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जयंती मनाई गई। दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सीता देवी की तबियत बिगड़ी, सीता देवी को अम्बेडकर भवन में चल रहे चुनाव प्रक्रिया के बीच डीएमसीएच में कराया गया भर्ती। लोहरदगा संग्रहालय के सभा कक्ष में उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में कोविड-19 के रोकथाम हेतु आवश्यक बैठक की गई। मंत्री ललित नारायण मिश्रा के मौत पर कांग्रेस को उठाया सवाल, 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे के कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान बम धमाके में मौत हुई। पाकिस्तान की अधिकतर आबादी इमरान सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं, एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 32% लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है पीटीआई सरकार। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठक की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन कोविड पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन की चौथी बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश बना इसराइल, 60 साल से ऊपर लोगों को और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बूस्टर शॉट। इसराइल ने हमास पर किया पलटवार, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया हमला, इसराइल की सेना ने कहा आतंकी ठिकानों पर किया है हमला। अमेरिका के कोलोराडो में अनूठा सर्च ऑपरेशन, जंगल में लगी आग के दौरान लापता पेट्स को ढूंढने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सऊदी अरब में हो रही है जमकर बर्फबारी, खुशी से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नीदरलैंड्स में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार की कोरोना नीतियों का हो रहा है विरोध। तख्तापलट के बाद सूडान की राजधानी में विरोध प्रदर्शन, सेना ने दागे आंसू गैस के गोले, देश में 25 अक्टूबर से चल रहे विरोध प्रदर्शन। इटली में फायर फाइटर्स ने दो डॉग्स को किया रेस्क्यू, शिकार का पीछा करते हुए गड्ढे में गिरे थे दोनों डॉग्स। दक्षिण अफ्रीका की संसद में लगी आग, फायर फाइटर्स ने मुश्किल से आग पर पाया काबू, आग लगने की वजह अभी साफ है। इसराइल में एवियन फ्लू ने बढ़ाई मुश्किलें, 5,000 क्रेन पक्षियों को फ्लू से जा चुकी है जान। नॉर्थ कोरिया में चलाया गया कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान, बच्चों ने सैनिटाइजर और थर्मामीटर की पोस्टर पहनकर लोगों को किया जागरूक। जोहान्सबर्ग टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 202 रन, तो वहीं साउथ अफ्रीका पहली पारी में अभी 167 रन पीछे। बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को दिखाई हरी झंडी, कहा तय समय और कार्यक्रम पर होगा टूर्नामेंट। अम्मा को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी, शेयर की फैमिली एल्बम से 18 दुर्लभ तस्वीरें, सास संग दिखे घर में। विकी कौशल पर इंदौर में दर्ज हुई शिकायत, बाइक नंबर का गलत इस्तेमाल करने का लगा है आरोप। प्रीति गुलारी ने शुरू की नायिका फिल्म की शूटिंग, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने शेयर की प्रेगनेंसी की तस्वीरें, हस्बैंड गौतम किचुल ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। एआर रहमान की बेटी खदीजा की हुई सगाई, और जो इंजीनियर रेसाइडिन से हुई है खदीजा की सगाई।